बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हिंदू समाज का और हमारे देवी देवताओं को गाली देने वालों को सेक्युलर नेता कहते थे और 2014 के बाद मोदी जी सभी को जोड़ रहे हैं, तो उसी का नतीजा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले आज उनके दर्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं। मायावती का बड़ा बयान, मेरे निर्देश पर आयोजित हो रही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी। प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी मतलब ब्राह्मण सम्मेलन। ब्राह्मणों का बसपा पर सजग विश्वास कायम, विरोधी दलों की इसने नींद उड़ा दी है। पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा कारवां। विरोधी दल किस्म किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं, विरोधी दलों से सावधान रहें। मेडिकल कॉलेजों के नाम को लेकर गर्व है यूपी की सियासत। बीजेपी के अंदर से ही उठ रहे हैं विरोध के स्वर। सियासत में साफ नजर आने लगी है एक बार फिर मेडिकल कॉलेज के नामों को लेकर भी सियासत उत्तर प्रदेश में काफी गर्म है। कार्रवाई होने के बाद आक्रोश में आए एम्बुलेंस कर्मी, सरकार को दिया अल्टीमेटम। हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मी को बर्खास्त करने के साथ ही उन पर FIR दर्ज कराई। इस कार्रवाई से एम्बुलेंस कर्मी आक्रोश में आ गए। सरकार ने सख्त रुख अपनाया और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बीजेपी विधायक ने कहा ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोग तड़प तड़प कर मरे। यूपी के हरदोई जिले के गोपामऊ क्षेत्र से बीजेपी विधायक ने बड़ी बात कही। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यूपी के सम्मेलनों की सियासत में ओवैसी भी कूदे। अगले महीने से मंडप स्तर पर करेंगे बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अगले महीने से मंडलों में सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। मंडल स्तर पर होने वाले इन सम्मेलनों में खुद पार्टी मुखिया ओवैसी भी शामिल होंगे।